So hello students, today we will be starting physics and a very important chapter in physics, which is light reflection and refraction. A majority of the marks in physics, which is approximately 28 out of 80, will be contributed by this chapter. So please pay attention nicely and read this chapter very nicely. This chapter is very important. Concept wise and also numericals will be asked from this chapter. So let's get started. Firstly, what is light? Light is a form of energy that provides us with the sensation of sight. It is the light jiske help se we can see things, we can see objects. So you will say that okay, with the help of light we see objects, but abhi tak tum ye jante the ki hum log apne aankhon se dekhte hain. बट आंखों से देखने के लिए भी लाइट की जरूरत है, तभी तो हम लोग अंधेरे रूम में कुछ देख नहीं पाते, बिकॉज एक अंधेरा रूम में डार्कनेस होता है, वहां पे लाइट नहीं होती. एज डायग्राम में अभी दिख रहा है, स्विच ऑन हो रहा है तो वहां पे लाइट आ रही है ऑब्वियसली. तो एक डार्क रूम और एक रूम जिसमें लाइट है, वहां पे क्या डिफरेंस है? वहां पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है जो कि लाइट प्रोवाइड कर रहा है, तभी हम देख पा रहे हैं. अभी लाइट हमको देखने में मदद करता है और लाइट हमको कलर्स को भी देखने में मदद करता है. तो लाइट हमको देखने में कैसे मदद करता है, वो टोटली डिपेंड करता है फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन पे. नाउ जब भी हम कुछ भी चीजों को देखते हैं तो वो हमको इसलिए दिख पा रही है क्योंकि लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज पे आ रही है. We can see any objects if and only if the light reflected from that object comes to our eyes. अभी ये light जो reflect हो रही है वो कहां से आ रही है? कोई source से आ रही है. तो वैसे source जो अपना light खुद produce करते हैं, जैसे कोई bulb है, sun है, ये सबको बोलते हैं luminous source of energy. और जो ऐसे सोर्स जो अपना लाइट खुद नहीं बना पाते बट दूसरों के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि मून खुद का लाइट नहीं है उसके पास, वो सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो वैसे ऑब्जेक्ट्स को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. राइट, सो डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि एक एप्पल है जो हमको रेड दिख रहा है. हम ये तो समझ गए कि हमको कुछ भी देखना हो तो हमको लाइट की जरूरत है, and the phenomenon of reflection helps in that, so that we are able to see things. But also agar humko kuch cheeze particular color mein dikh rahi hai, jaise apple red hi kyu dikhta hai, apple red dikhta hai, kuch grass hai wo green dikhta hai, aisa kyu? Aisa isliye hota hai, iske piche bhi reflection ka hi reason hai. Reflection kaise involved hai isme? Jaise sunlight jo hota hai wo white light hota hai. व्हाइट लाइट क्यों? व्हाइट लाइट इसलिए क्योंकि व्हाइट लाइट सेवन कंपोनेंट ऑफ कलर्स से मिलके बनता है. सेवन कंपोनेंट्स उसमें कौन कौन से? वही सेवन कंपोनेंट्स जो रेनबो में होते हैं, विबक्योर, VIBGYOR. ये जो सेवन कलर्स हैं, यही सेवन मिलके व्हाइट लाइट बनाते हैं. तो जो सनलाइट होता है वो एक्चुअली व्हाइट लाइट होता है. नो, सनलाइट किसी भी चीज पे पड़ रही है या कोई भी व्हाइट लाइट किसी भी चीज पे पड़ रहा है, इसका ये मतलब है कि वो सेवन कंपोनेंट्स में से सारे सेवन कंपोनेंट्स उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहे हैं. जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, सेवन कंपोनेंट्स या व्हाइट लाइट एप्पल पे पड़ रहा है, तो बाकी सारे कंपोनेंट ऑफ जो लाइट है, बाकी जो छह हैं, वो एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं. ओनली द रेड पार्ट, जो रेड पार्ट है, सिर्फ वो रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों तक आ रहा है. That's what is coming to our eyes, and so we are able to see the apple as red. अगर कुछ हमको green दिख रहा है, it means कि वहाँ से सारे light, white light के सारे components absorb हो गए हैं. Only the green component is being reflected and coming back to our eyes. So we see things as green, red, or whatever color they are. It's all due to the reflection of that particular color only. Rest all are absorbed by the object. I hope the thing is clear.
हम डेफिनेशन तो जान गए कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस इन सेंसेशन ऑफ साइट, बट कैसे वो भी समझ गए आई बिलीव. इट्स ओनली ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है, ये जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसीलिए उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए. इट डज नॉट रिक्वायर्स एनी मीडियम टू ट्रैवल. तो इसीलिए हमारा जो सनलाइट है वो स्पेस से होके हमारे अर्थ तक पहुंचता है. और हमको पता है ये बात कि स्पेस में वैक्यूम है, वहां पे कोई मीडियम नहीं है, बट फिर भी लाइट हमारे तक, हमारे अर्थ तक पहुंच रहा है. इसका मतलब कि लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो एंड डज नॉट रिक्वायर एनी medium to travel. Next, light always travels in a straight line. Always travels in a straight line. And iska example, we know periscope. We have studied in earlier classes. Periscope is an instrument jo humko submarines mein hum use karte hain, jo humko underwater rehte hue bhi humko upar water ke level mein dekhne mein help karta hai. Light has dual nature. It has wave nature as well as particle nature. Now, particularly now, we are dealing with particle nature, wave nature. These all will be dealt with in higher classes also. Okay? Then we'll learn about the wave nature and particle nature in more detail. Now, speed of light is maximum in vacuum. Vacuum mein koi bhi light travel karta hai. तो वहां पे स्पीड उसका मैक्सिमम होता है. उसका स्पीड का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. वैक्यूम में हाईएस्ट होता है. और मेबी लिक्विड्स में आएंगे तो फिर लेस हो जाएगा, सॉलिड के थ्रू और लेस हो जाएगा. दैट्स व्हाट. नाउ वी हैड सीन कि लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो रिफ्लेक्ट हो रहा था. दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स. पर सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं होता. व्हेनेवर लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, थ्री थिंग्स हैपन. Either the light get absorbed or the light gets reflected or the light gets transmitted. ये तीनों चीजें साथ में होती हैं. लाइट जो भी फॉल कर रहा ऑब्जेक्ट पे, उसको अगर हम लोग 100% मान ले तो वो वेरी करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर. वो उस ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर लाइट पड़ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने परसेंट लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कितनी ट्रांसमिट होगी और कितना एब्जॉर्ब होगी. ठीक है, और इसी के ऊपर बेस्ड है कि आपके ऑब्जेक्ट्स. इसको हम एक डायग्राम के हेल्प से देख सकते हैं कि लाइट व्हेनेवर फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट तो थ्री थिंग्स हैपन. आइदर द लाइट गेट्स एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड. एब्जॉर्ब मतलब वो ऑब्जेक्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर. ट्रांसमिट मतलब उसके थ्रू लाइट चला जाएगा. रिफ्लेक्ट करेगा मतलब अपने ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पड़ने के बाद वो वापस बाउंस बैक कर जाएगा. तो ये तीनों चीजें हो सकती हैं. नाउ हम लोग ने ग्लास पेन तो जरूर देखा होगा, विंडो का ग्लास, कोई भी ग्लास ग्लास तो देखा होगा. नाउ ग्लास में क्या होता है, आप जब ग्लास में देखिएगा कभी ध्यान से, व्हेनेवर यू सीन द ग्लास व्हाट यू सी, आपको हल्का हल्का आपका इमेज भी दिखता है और आपको ग्लास के उस पार क्या है वो भी दिखता है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ग्लास कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर रहा है तभी आपको आपका इमेज दिख रहा है ग्लास में, और लाइट कुछ लाइट को, लाइट जो ग्लास है वो लाइट को एब्जॉर्ब भी कर रहा है और फिर ट्रांसमिट भी कर रहा है. ट्रांसमिट कर रहा है मतलब वो अपने थ्रू पास होके जाने दे रहा है तभी आपको ग्लास के पीछे क्या है वो भी दिख पाता है. इट्स ड्यू टू ट्रांसमिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट दैट यू आर एबल टू सी थ्रू द ग्लास, एंड ड्यू टू रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ग्लास दैट यू आर एबल टू सी योर इमेज इन द ग्लास. सो ये दोनों चीजें हो रही है. और एब्जॉर्ब कैसे, लाइक अगर आप सन में ग्लास को छोड़ दे तो ग्लास हीट तो होगा. हीट हो रहा है मतलब लाइट के चलते ही हीट हो रहा है, एनर्जी है तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो अपने अंदर. तो तीनों चीजें होती हैं साथ में. ना ये डिपेंड करता है कि हाउ मच, व्हाट परसेंटेज ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग कि आपको वो चीजें दिखने लगेंगी. ना आपको अपना इमेज, आपको अपना इमेज तो
क्या बोलते हैं इसमें चम्मच में भी दिखता है आपको अपना इमेज, तो किसी ग्लास पेन में भी दिखता है, थाली में भी दिखता है, यूटेंसिल्स में भी दिखता है, बट डज दैट मेक एवरी कंपोनेंट अ मिरर? नो नो, मिरर इज अ वेरी स्पेसिफिक थिंग। हम लोग अपना हेयर स्टाइल बनाने के लिए यूटेंसिल का इस्तेमाल तो नहीं करते, हम लोग मिरर स्पेसिफिकली रखते हैं अपने घरों में, मिरर में देख के ही अपना हेयर स्टाइल बनाते हैं। तो ऐसा क्यों? तो देर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन दीज थ्री थिंग्स। ये कितने परसेंटेजेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, अब्सॉर्ब हो रहा है, इसी बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन होता है। अभी वैसा ऑब्जेक्ट जो मेजॉरिटी ऑफ द लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, तीन चीजें हो रही थी, ट्रांसमिट, रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब, बट ऐसा ऑब्जेक्ट जो मेजॉरिटी ऑफ द लाइट को एब्जॉर्ब कर ले और ना ट्रांसमिट होने दे और ना रिफ्लेक्ट होने दे, होने दे थोड़ा बहुत कम परसेंटेज, बट मेजॉरिटी जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो वैसे ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल आप बताइए, ऐसे ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है बुक ना। बुक के ऊपर अगर लाइट पड़ता है तो यू कैन सी अ शैडो फॉर्म्ड बिहाइंड द बुक। वो क्यों? बिकॉज क्या कर रहा है वो शैडो? इसलिए फॉर्म हो रहा है बिकॉज वो अपने थ्रू लाइट को पास होने नहीं दे रहा है, बुक अपने थ्रू लाइट को पास होने नहीं दे रहा है, इसीलिए वहां पे लाइट जा नहीं पा रहा है। दैट्स व्हाई दैट शैडो इज फॉर्म्ड, शैडो इज बिट ब्लैकिश, राइट? वो ब्लैक क्यों है? बिकॉज वहां पे लाइट नहीं जा पा रहा है, इट्स नॉट एबल टू रीच देयर। सो क्यों नहीं रीच कर पा रहा है? बिकॉज वो बुक के थ्रू पास नहीं हो पा रहा लाइट, तो वहां पीछे में अंधेरा हो जा रहा है। दैट इज व्हाट इज द शैडो। दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब्स मेजॉरिटी ऑफ द लाइट इज कॉल्ड एज ओपेक ऑब्जेक्ट, एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट कास्ट अ शैडो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, बिहाइंड इट शैडो उसके पीछे ही बनेगा, जिधर साइड से लाइट का वे ब्लॉक हुआ है वहीं पे शैडो बनेगा उसके पीछे, राइट? नाउ ट्रांसमिट की बात करते हैं और रिफ्लेक्ट की बात करते हैं। तो ग्लास, हमारा ग्लास पेन ट्रांसमिट कर दे रहा था तभी हम लोग उस पार देख पा रहे हैं, और ग्लास के केस में शैडो बनता नहीं है, आप उसके पार देख पाते हैं तो शैडो तो नहीं है क्योंकि लाइट उसके थ्रू क्रॉस करके गया होगा उस पार, ठीक है? बट इन केस ऑफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लास पेन एंड मिरर? ग्लास पेन रिफ्लेक्ट करता है लाइट को बट मेजॉरिटी ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, बट मिरर को स्पेसिफिकली इसलिए ही बनाया गया है ताकि वो मेजॉरिटी ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाए। तो मेजॉरिटी ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या चाहिए उसको? एक ग्लास पेन को अगर हम उसके पीछे वाले पार्ट को पेंट कर दें या एक कोटिंग लगा दें सिल्वर का, सिल्वर का ही क्यों? क्योंकि सिल्वर एक परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है, सिल्वर एक परफेक्ट रिफ्लेक्टर है आपके क्लास के परफेक्ट स्टूडेंट की तरह, जिसका एग्जाम में 95-98% मार्क्स आता है, तो उस तरह सिल्वर भी 95-98% लाइट को अपने थ्रू रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए हम लोग जब ग्लास को एक सिल्वर का कोटिंग पीछे कर देते हैं तो वो क्या करता है, वो मेजॉरिटी ऑफ द लाइट जो उसके ऊपर फॉल हो रहा था उसको रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो यही डिफरेंस हो जाता है ग्लास पेन और एक मिरर के बीच में। ग्लास पेन में कोटिंग नहीं होता है सिल्वर का, बट मिरर के पीछे सिल्वर का कोटिंग होता है, तो इस कारण से ही हम लोग क्या देख पाते हैं अपने इमेज को। तो वो इमेज हमको तो ग्लास पेन में भी दिख रहा था, बट वो रिफ्लेक्शन का वो क्लैरिटी जो मिरर में आता है वो ग्लास पेन में तो होता नहीं है। तो दैट्स व्हाट, जो परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट का ज्यादा है वहां पे एज कंपेयर टू द ग्लास पेन, इसे हमको क्लियरली दिख रहा है, नहीं तो फिर हम चम्मच को यूज ना कर लेते इमेज देखने के लिए। अब एक्चुअली चम्मच में आप यू कैन सी द चम्मच ऐसा बेंट होता है, दिस वन बेंट इनवर्ड्स और ये आउटवर्ड्स होता है, तो
इसमें आप इमेज देखिएगा अपना और फिर इसमें भी इमेज देखिएगा, देखिएगा क्या होता है। नाउ व्हाट वी कम बैक टू अवर टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन एनी पॉलिश सरफेस लाइक मिरर, राइट। सो अगर लाइट बाउंस बैक करता है आफ्टर फॉलिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन फॉलिंग ऑन एनी पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस क्वेश्चन कैन रियली बी आस्क्ड इन द एग्जाम, नेम द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है, बट फिर भी आ सकता है बिकॉज है तो इम्पोर्टेंट, क्योंकि पूरा रिफ्लेक्शन इस पे ही बेस्ड है, दो लॉज के ऊपर, ठीक है। तो पहला लॉ ये कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? नाउ वी सॉ दैट कि लाइट, व्हेन एवर लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट तो वो बाउंस बैक करता है, ठीक है, वो वापस रिफ्लेक्ट होके चला जाता है। तो बाउंस बैक करने का मतलब कि कोई लाइट फॉल करी होगी, उस ऑब्जेक्ट से टकराया होगा और फिर गया। तो जो लाइट फॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, दैट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर फॉल करता है दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड देन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। नाउ देयर ओनली इट फॉलोज द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट हुआ था इंसिडेंट रे, उसी पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें उस सरफेस के, वी आर ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द लाइट इज फॉलिंग एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दैट परपेंडिकुलर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉर्मल। द एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई आई। Now the light which gets bounced back is called the reflected ray. और यहां पे reflected ray और normal, उस point पे जो हमने normal draw किया था, वो जो normal और reflected ray के बीच में जो angle बनेगा उसको बोलते हैं angle of reflection. Now the angle of incidence and the angle of reflection are always equal. Always equal. And the second law says that कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल द थ्री आर मीटिंग एट वन पॉइंट, दैट्स फॉर श्योर, एट द दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बट ऑल द थ्री रेज लाई इन द सेम प्लेन ऑल्सो। लाइक इफ द इंसिडेंट रे लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, देन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल विल ऑल्सो लाई इन द एक्स वाई प्लेन, right? And do not forget to make the arrows correctly. The incident ray is approaching the object, so the arrow on the incident ray should be towards the object, right? And the reflected ray is going away from the object, so the arrow should be marked away from the object, right? And a normal will have no arrow, right? Because it's a perpendicular. So this finishes the laws of reflection.